सनी देओल बॉलीवुड इंडस्ट्री के वन ऑफ द बेहतरीन एक्टरों में से एक हैं, जिनकी लास्ट फिल्म आई थी चुप जो कि सिनेमाघरों में सुपर डुपर हिट रही। काफी सालों बाद सनी देओल भी धमाका मचा रहे हैं हाल फिलहाल में बॉक्स ऑफिस पे। तो सनी देओल पाजी की आने वाली है काफी बड़ी बड़ी फिल्में। अब ये फिल्में कौन सी होने वाली है, उन सब की बात करेंगे इसी वीडियो में। जिन्हें जानने के लिए आपको हर बार की तरह एक छोटा सा ही काम करना होगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा अगर आप चैनल पर नए आए तो। दोस्तों बात करूं सनी देओल की फर्स्ट फिल्म जो होने वाली है गदर 2 एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे अनिल शर्मा, जिन्होंने 2001 में आई गदर को दिया था, जिसने 10 करोड़ टिकट बेचकर बॉक्स ऑफिस में ब्लॉकबस्टर रही थी। जी हां दोस्तों, तो ये फिल्म उसी का सीक्वल होने वाला है, जिसके लीड रोल में आपको फिर से सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा जो कि अब बड़े हो चुके हैं वही नजर आने वाले। इस फिल्म की जो शूटिंग है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, टीजर भी सिनेमाघरों में आ चुका है, क्योंकि हाल फिलहाल में गदर को री रिलीज किया गया है जहां पर इसका टीजर भी दिखा आया गया। अब टीजर जल्द YouTube पर भी आया और फिल्म की जो कहानी है वो काफी ज्यादा बेहतरीन लग रही है इसके टीजर को देखने के बाद, जहां आपको कहानी देखने को मिलने वाली है 17 साल बाद की, यानी कि 1971 में क्या हुआ पाकिस्तान में और कैसे सनी देओल पाजी का बेटा हुआ बड़ा और गया पाकिस्तान, जहां से सनी पाजी उसे बचा के लाएंगे, यानी कि तारा सिंह फिर से पाकिस्तान जाएगा और फिर से धमाका मचाएगा। तो आपको बता दें इस फिल्म को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अनिल शर्मा कर रहे हैं, यानी कि जी स्टूडियो के बैनर तले इस फिल्म को बनाया जा रहा है। जो फिल्म आपको जल्द दिखाई देने वाली है यानी कि 11 अगस्त 2023 इसको यार ये सिनेमा घरों में यार। तो कौन कौन देखने जाएगा गदर 2 कमेंट में जरूर बताना। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है बाप। बाप एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं विवेक चौहान, जिसके लीड रोल में आपको सनी देओल, जैकी श्रॉफ, संजय दत्त, मिथुन दा, यानी कि काफी सारे कलाकार नजर आने वाले हैं जो कि 90 और 20 दशक के बड़े बड़े सुपरस्टार रहे हैं। जिस फिल्म के अंदर आपको सनी देओल एज ए अर्जुन के रोल में नजर आने वाले हैं, जैकी श्रॉफ जैकी सन के रोल में, वहीं पर संजय दत्त बल्लू के रोल में और मिथुन दा आपको नजर आएंगे एड़ा भगत के रोल में। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म की जो शूटिंग है वो लगभग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है, जिस फिल्म को प्रोड्यूस किया है अहमद खान ने, इसे भी जी स्टूडियो के बैनर तले बनाया गया है, जिस फिल्म को 2023 में रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में यार। बात करूं नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है सूर्या। सूर्या एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे एम पद्मा कुमार, जिन्होंने भाई असली फिल्म यानी कि जोसेफ को बनाया था और उसी का ये ऑफिशियली रीमेक होने वाला है। जिस फिल्म के लिए रोल में आपको सनी देओल, चित्रंगा दास और रवि किशन नजर आने वाले हैं और इस फिल्म की जो शूटिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और मैं आपको बता ही चुका हूं ये फिल्म ऑफिशियली रीमेक है मलयालम इंडस्ट्री की फिल्म जोसेफ का, जिसकी कहानी काफी ज्यादा थ्रिल और एक्शन से भरी हुई थी और ये फिल्म देखो सुपर डुपर हिट रही थी। लेकिन अब बॉलीवुड की ये फिल्म सुपर डुपर हिट रहेगी या वो तो अभी नहीं कंफर्म, पर लेकिन हाँ फिल्म की जो शूटिंग है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है और इस फिल्म को भी 2023 में रिलीज किया जाएगा, जिसका अनाउंसमेंट जल्द होने वाला है रिलीज डेट का। दोस्तों नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है लाहौर 1947, जो कि एक एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे राजकुमार संतोषी, जो कि दामनी, घायल और घातक जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके हैं सनी देओल के साथ। तो इस फिल्म के लीड रोल में आपको सनी देओल नजर आएंगे और कहानी आपको दिखाई जाएगी इंडिया के पार्टीशन, यानी कि जब विभाजन हुआ था 1947 में क्या क्या दुर्दशा थी, किन किन लोगों की और क्या कुछ हुआ था, जैसे कि थोड़ा बहुत तो गदर में भी दिखाया गया था, उसी प्रकार का इसमें कॉन्सेप्ट दिखाया जाएगा लेकिन अलग लेवल का, जिस फिल्म को 2023 में फ्लोर पर लाया जाने वाला है और इस फिल्म को प्रोड्यूस राजकुमार संतोषी ही करने वाले हैं, जिस फिल्म को रिलीज किया जाएगा 2024 में। दोस्तों ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। बात करूंगा नेक्स्ट फिल्म जो होने वाली है अपने टू एक फैमिली ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे अनिल शर्मा, जिन्होंने 2007 में ही अपने को दिया था, तो ये फिल्म उसी का ऑफिशियली सीक्वल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म के लीड रोल में आपको सनी देओल, बॉबी देओल, धर्मेंद्र फिर से नजर आएंगे, लेकिन एक और करेक्टर आपको इसमें दिखाई देने वाला है जो होने वाला है सनी देओल का बेटा यानी कि करण देओल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें इस फिल्म के अंदर करण देओल आपको एज ए बॉक्सर के रोल में नजर आने वाले हैं, जहां पर बॉबी देओल और सनी देओल तो बॉक्सर रह चुके, अब होंगे करण देओल। जिस फिल्म की शूटिंग 2023 में ही फ्लोर पे आने वाली है, क्योंकि गदर 2 के बाद ही अनिल शर्मा इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे गदर 2 रिलीज होगी और इस फिल्म की शूटिंग फ्लोर पे आए और फिल्म को जो प्रोड्यूस करेंगे वो दीपक कुमुद ही करेंगे, यानी सोहन रॉकस्टार के बैनर तले इस फिल्म को बनाया जाएगा, जिसे 2024 में रिलीज किया जाएगा सिनेमा घरों में यार।
बात करूं ना इस फिल्म जो होने वाली एक अनटाइटल क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म, जिस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं आर बाल्की, जो कि सनी देओल के साथ हाल फिलहाल में यानी कि 2022 में चुप जैसी सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं। तो लीड रोल में आपको सनी देओल, श्रुति हसन नजर आने वाली है और इस फिल्म का कॉन्सेप्ट कहानी भी काफी बेहतरीन होगी, जहां पर सनी देओल और श्रुति हसन बाप बेटी का रोल निभाते हुए नजर आने वाले। जी हां दोस्तों, आपको बता दूं इस फिल्म की जो शूटिंग है वो भी फ्लोर पर 2023 तक ही आने वाली है। तो इस फिल्म को 2023 में स्टार्ट किया जाएगा और इसे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आर बाल्की यानी कि हॉप प्रोडक्शन के बैनर तले इस फिल्म को बनाया जाएगा, जो आपको 2024 में देखने को मिलेगी सिनेमा घरों में। यार यू क्रिटिक्स आर किलर्स। देखो सनी देओल की काफी सारी फिल्म है, लेकिन एक और फिल्म है जिसका नाम है बॉर्डर 2, जो कि वार एक्शन ड्रामा फिल्म होने वाली है, जिस फिल्म को डायरेक्शन जेपी दत्ता ही देंगे। इस फिल्म का जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो नहीं हो पाया था, लेकिन जेपी दत्ता ने हाल फिलहाल में यानी कि 2022 में मीडिया के सामने कन्फेंस किया था कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट में पूरी तरीके से लिख चुका हूं और फिल्म भी जल्द आने वाली है फ्लोर पर। लेकिन इस फिल्म के जो राइट है वो राइट है भाई साहब भरत के पास, यानी कि भरत शाह के पास, और वो राइट लेने में टाइम लग रहा है, जिस वजह से फिल्म फ्लोर पर नहीं आ पा रही है। तो फिल्म फ्लोर पर तभी आएगी जब भरत शाह राइट देंगे, और राइट ये जल्द मिलने वाले। तो इस फिल्म की शूटिंग भी 2023 या 24 में ही फ्लोर पर आएगी और ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी जल्द होगा। तो ये थी सनी देओल पाजी की आने वाली वो फिल्में जो आ रही हैं 2023 और 24 में, और साथ में बॉर्डर 2 भी। तो इनमें से कौन सी फिल्म का आपको बेसब्री से इंतजार कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ, जब तक के लिए बाय बाय यार।